देखें, मेरा नाम प्रदीप कुमार पटेल है। मैं MBH इंटरमीडिएट कॉलेज अटिस्मा वाराणसी में पढ़ाता हूँ। आज मैं कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कक्षा 10 के लिए मेरा पहला वीडियो है। आज ऑनलाइन क्लास में देखिए पहला चैप्टर में कैसे है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। तो मेरा सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे यहाँ पे। तो रासायनिक अभिक्रिया मेरा क्या होता है, बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने बता दिया जाए, हमने ए प्लस बी ले लिया और ये प्रोडक्ट बनकर सी प्लस डी बना। तो ये जरूरी नहीं है कि सी प्लस डी में ही बनेगा। तो हमारा ए प्लस बी लेने के बाद तो यह मेरा इसको कहते हैं जो अभिक्रिया करने से पूर्व जो पदार्थ या अणु होते हैं उसे हम अभिकारक अणु कहते हैं। यह मेरा क्या होता है, अभिकारक अणु होता है। और जो अभिक्रिया करने के बाद अर्थात कुछ समय लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं उत्पाद अणु कहते हैं। और इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोला जाता है और इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। प्रोडक्ट बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया मेरी क्या होती है, पांच प्रकार की होती है। योगात्मक अभिक्रिया या इसे एक और नाम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया, एक और योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की बात करते हो उनको अंग्रेजी में एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन मतलब वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ मेरा क्या होगा, इसको डीकम्पोजिशन अभिक्रिया की बात करते हैं यहाँ पे। तो यह मेरा अपघटन या वियोजन हो गया। रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। आइए पहला की बात करते हैं, पहला क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया की बात करते हैं। मेरा योगात्मक अभिक्रिया होता क्या है, अब पहले क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पे जब हम योगात्मक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो पहला हम योगात्मक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अब लाइन वाइज लाइन सबको हम बताएंगे यहाँ पे जानेंगे। तो इसमें ये देखेंगे यहाँ पे कि पहला मेरा होता क्या है, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं यहाँ पे। अब हम योगात्मक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि मेरा ये होता क्या है, बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर कोई एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया की बात करते हैं, उसे जब कहते हैं तो क्या होता है, जैसे आपके सामने कह दिया जाए कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो वह कैसे बना उसके बारे में जानेंगे। अर्थात कार्बन का एक मोल, ऑक्सीजन का एक मोल आपस में मिलने के बाद एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर कोई एक मोल और एक मोल आपस में मिलने के बाद एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जिसमें एक चीज देखा जाता है कि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद तभी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है तो इसमें यह देखा जा रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के द्वारा ही आपस में जुड़कर ही बना रहे हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब यह है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो यह भी एक योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। जब योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है तो हम इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप सबसे पहले देखते हैं कि यह कैसे बनता क्या है। ऑक्सीजन O2 के रूप में है, यदि कार्बन और मैग्नीशियम एक रूप में, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन अणु है और मैग्नीशियम और कार्बन मेरा क्या है, परमाणु है। इसका मतलब यह है कि अणु वे होते हैं
जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि वायु एटमॉस्फेयर में, वायु में वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जबकि परमाणु की बात करते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी अणु होंगे वह डायएटॉमिक होते हैं, द्विअणुक होते हैं, इसलिए उनको इस फॉर्म में लिखा जाता है कि जो वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसको बनाने की बात करते हैं, तो आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा, पीछे क्लास में यह पढ़ा होगा कि के एल एम एन के द्वारा, जब हमारा बोहर साइंटिस्ट ने के एल एम एन के द्वारा 2, 8, 18, 32 नियम निकाला था, इसका मतलब इसके दो बाकी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो इसी नियम को देखते हुए अष्टक का नियम बना। अष्टक का नियम यह कहता है यहाँ पे है कि जो 2, 8, 18, 32 है इनको हम अष्टक के नियम के द्वारा तोड़ दिया जाए। तोड़ने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जनान, रेडान, 2, 10, 18, 36, 54, 86 यह इनके परमाणु क्रमांक है। इसमें यह देखा गया या अब इनको बोलेंगे यह निष्क्रिय है, जो रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं ले सकते हैं, यह निष्क्रिय बात करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं ले सकते, अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस की बात करेंगे यहाँ पे कि जब मेरा अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया भाग ले लेते हैं तो इनके द्वारा यह अष्टक का नियम परिवर्तित कर दिया गया। जब यह इनके द्वारा अष्टक का नियम परिवर्तित कर दिया गया, कैसे परिवर्तित किया गया, देखिए परिवर्तित ऐसे किया गया, दो पहले कक्षा में दो तो दो, दो पे हीलियम है जो एक स्थायी है, स्टेबल है, वो रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेते हैं। दो नियान 10, 8, 2, 10 अब अगला नंबर है 8 जोड़ने का, फिर 10, 8, 18 फिर 8 जोड़ेंगे, 18, 18, 36 अब 18 जोड़ेंगे, फिर 18, 54 फिर 18 जोड़ेंगे, अब 32 जोड़ेंगे, 32 अर्थात अष्टक का नियम यहाँ पे चेंज हो गया। 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये यहाँ पे क्या आ गया, इनका नियम आ गया। इस नियम में यह देखा गया यहाँ पे कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 जब यहाँ पे बना, यहाँ पे मिला, तो हमने कहा कि ये मेरा अष्टक के नियम का पालन कर रहा है। जब यह अष्टक के नियम का पालन कर रहा है तो हमने कह दिया कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 का प्लान है। तो इसमें यह देखा गया कि जब 2, 8, 8, 18, 18, 32 है तो मेरा अष्टक का नियम, अब इसी नियम के द्वारा हम किसी तत्व पे आवेश उत्पन्न करेंगे। अब आवेश उत्पन्न करने का तरीका क्या है, यदि किसी बाहरी कक्षा में, अगर कोई बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उनके ऊपर +1, +2, +3, +4, -3, -2, -1 चार्जेस होंगे, आवेश होंगे। अब इनको देखते हुए हम अब किसी भी तत्व यौगिक का आसानी से रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं। आइए देखिए कैसे कराते हैं। आपको पता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, जब परमाणु क्रमांक 12 होता है अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम बोहर के द्वारा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे करेंगे, 12 है पहले कक्षा में 2, अब हमको जरूरत 10 की है, दूसरे कक्षा में 8, अब भी हमको 2 की है, तीसरे वाले में हम अधिकतम 8 भर सकते हैं लेकिन जरूरत 2 की है इसलिए 2 भरेंगे, तो बाहरी कक्षा में 2 हो गया। तो 2 के नीचे देखिए +2 चार्ज, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितने चार्ज होंगे, +2 चार्ज होंगे, अर्थात मैग्नीशियम पर आवेश 2 आवेश होंगे। अब जब मैग्नीशियम पर आवेश 2 आवेश होंगे तो इनमें जरा ध्यान दीजिएगा कि जब मैग्नीशियम पे 2 आवेश मैंने यहाँ पे ले लिया, इनमें दिखा दिया कि मैग्नीशियम पे 2 आवेश होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जब Mg ऊपर डबल प्लस दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि हमने यहाँ पे इनको बता दिया कि Mg डबल, उसी प्रकार से ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अब पहले वाले में 2 भरेंगे, दूसरे वाले में 8 ज्यादा हो जाएगा, अब जितनी हमको जरूरत है उतना भरेंगे, 6, अब बाहरी कक्षा में 6 तो 6 के नीचे -2 चार्जेस, अब ऑक्सीजन में -2 चार्जेस। अब जब भी कोई यौगिक बनता है तो उस यौगिक में हमेशा ध्यान देते हैं कि यौगिक बनाते समय
एक प्लस और दूसरा माइनस जरूरी होता है। कोई भी दुनिया में ऐसा यौगिक है जिसमें प्लस माइनस के द्वारा ही कोई यौगिक बनता है। अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो यौगिक का फॉर्मेशन नहीं होगा। अर्थात यौगिक बनाने के लिए एक प्लस और दूसरा माइनस होना बहुत जरूरी है। तो मैग्नीशियम वो प्लस है, ऑक्सीजन ऊपर माइनस है। जो मैग्नीशियम का आवेश होता है वो ऑक्सीजन नीचे जाएगा, जो ऑक्सीजन का आवेश होता है मैग्नीशियम नीचे जाएगा। जैसे हम देख लीजिए कि मैग्नीशियम का दो था, ऑक्सीजन का दो है तो इनके नीचे, और मैग्नीशियम का दो है तो इनके नीचे, दो दो से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या क्या MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से जो योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा यहाँ से ऑलरेडी बच जा रहा है। इसमें एक चीज देखा गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसका मतलब यह एक योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से यह देखा जाता है कि जब आवेश निकालेंगे, जब भी कोई यौगिक बनेगा तो उसमें प्लस और माइनस होता है। अब प्लस माइनस होता है तो उसमें एक चीज ध्यान दिया जाता है कि जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या कि सोडियम, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कि सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा। अब देखिए क्लोरीन अणु के रूप में होता है और सोडियम परमाणु के रूप में होता है। अब इनको आवेश जब निकालेंगे तभी अभिक्रिया कर पाएगा, तभी बना पाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे सोडियम, सोडियम की बात करते हैं। अब सोडियम क्लोरीन से कैसे अभिक्रिया करता है इसके बारे में देखिएगा यहाँ से कि कैसे यहाँ पे कराते हैं कि सोडियम क्लोरीन से कैसे अभिक्रिया करता है। जब सोडियम की बात करेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2, 8 और 1। बारी कक्षा में एक तो इनके ऊपर एक प्लस चार्ज। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8 और 7। तो 7 है तो 7 में से माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे Cl के ऊपर क्या होगा, माइनस 1 चार्ज है, जब माइनस 1 होगा। अभी मैंने बोला कि जब भी कोई यौगिक बनेगा तो उनका प्लस उनके नीचे, उनका माइनस उनके नीचे। तो क्लोरीन के ऊपर माइनस 1 है तो इनके ऊपर प्लस 1 है, तो इनका एक इनके नीचे यहाँ बनाएगा, एक एक आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बन जाएगा NaCl। इसको बोलते हैं मेरा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ये मेरा हो गया क्या, सोडियम क्लोराइड। जब ये मेरा सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें एक चीज को ध्यान देते हैं यहाँ पे है कि जब यह सोडियम क्लोरीन से किया तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन अणु के रूप में था, डायटॉमिक था, द्विअणु था, इसलिए इसको मैंने क्या किया, अब द्वि परमाणु होने के कारण हम यहाँ पे जो Cl2 था यहाँ पे एक ही Cl है, तो आगे दो से गुणा करेंगे। तो आपको पता है अगर x प्लस वाई होता है आगे दो से गुणा होगा तो इसका मतलब 2x प्लस 2y हो जाता है। उसी प्रकार से 2NaCl है तो 2Na और 2Cl हो गया। यहाँ पे दो क्लोरीन तो है, यहाँ पे दो सोडियम भी है, तो सोडियम भी दो से गुणा करेंगे क्योंकि बराबर अभिकारक अणु और उत्पाद अणु को आपस में बराबर करना है, तभी क्या होगा अभिक्रिया मेरा संतुलित होता है। इसमें क्या किया गया कि सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनाता है। जब सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनाता है तो इसमें देखा गया कि अभी दो या दो से अधिक पदार्थ है, तत्व आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, कोई एक नया पदार्थ बन रहा है। इसे हम क्या कह रहे हैं, यह मेरा योगात्मक अभिक्रिया ही शो कर रहा है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद, क्योंकि हमको योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण देना है, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 2, 8 और 3। बारी कक्षा में 3 तो इनके ऊपर प्लस 3 चार्ज, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और 6, इनके ऊपर माइनस 2 चार्ज, इनका 2 इनके नीचे, इनका 3 इनके नीचे, तो आएगा तो यहां से बनाएगा Al2O3, बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको एलुमिना कहते हैं। यह बनेगा यहाँ से Al2O3, बन गया Al2O3, एलुमिना हो गया। जब यह एलुमिना हो गया तब तो मेरा क्या हो गया, नियम के द्वारा यह यौगिक बन गया, जिसको हम कहेंगे यह मेरा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया मेरा। जब यह एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया तो इनमें एक सिद्धांत देंगे, इनमें यौगिक बन गया, इनका काम खत्म, इनका काम इतना है। अब मेरा काम है अभिक्रिया को संतुलित करना। अगर माइनस वाला ऑक्सीजन माइनस है, माइनस वाला विषम संख्या होता है, तो अभिकारक अणु में जो ऑक्सीजन है, जैसे माइनस वाला यहाँ विषम हो गया, तो उत्पाद अणु में पूरे यौगिक को जो विषम संख्या होती है उसको दो से गुणा करके सम बनाते हैं। अब तीन गुना के 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है,
तो तीन से आगे गुणा कर दीजिए। अब दो दुने के चार एल्युमिनियम, यहाँ पे एक है, चार से आगे गुणा कर दीजिए। अब यह अभिक्रिया मेरा पूरी तरह से संतुलित हो गया। जब अभिक्रिया मेरा पूरी तरह संतुलित हो गया तो बोलेंगे यह भी क्या हो गया, एक युग्मक अभिक्रिया का पालन कर रहा है या संयोजन अभिक्रिया का पालन कर रहा है। इससे हम क्या कहते हैं, एडिशन अभिक्रिया और युग्मक अभिक्रिया कहते हैं। बाकी हम अगला वीडियो आपको कल देंगे और इसमें का टॉपिक तो आगे चार पांच नियम बचे हैं, चार नियम बचे हुए हैं, उसको वीडियो में कल बताएंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद।